मेरे साथ पूजा मैडम है, जो 8 दिन पहले आपने इनकी फोटो देखी होगी विथ न्यूमरोलॉजी पिक्चर्स इन्होंने पकड़ी थी, विथ न्यूमरोलॉजी इन्होंने काउंसलिंग अपना पकड़ा था। और उनके बाद मतलब विद इन 8 डेज शी हग मी टुडे, और क्यों हग किया है हम लोग उनसे ही बात करते। यस पूजा मैम प्लीज। हेलो एवरीवन। एक्चुअली दिवाली के एक दिन पहले ही मैंने सब काउंसलिंग किया था मैंने शीतल से, एंड इतना मैजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में। आई वोंट बिलीव कि सच में ये सब पॉसिबल होगा क्या। यानी यहाँ से मैंने पहले तो होप्स ही छोड़ दिए थे, क्योंकि घर में है ना थोड़ा नेगेटिव है क्लाइमेट है हम मेरे घर में। जो रेमेडीज दिखाई है बताई है शीतल ने मुझे, जो मैं फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन शी टोल्ड मी, उससे इतना मीन्स इट इज कॉन्ट्रास्ट हो रहा है पूरा मेरे लाइफ में। यानी आज तक इतने 35 ईयर्स में जो कुछ नहीं हुआ वो सब हो रहा है पॉसिबल। माई पेरेंट्स गॉट मच मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स माई करियर। आई गॉट अ वेरी क्लियर विजन फॉर माई करियर रिलेटेड टू माई चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड ऑल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। खैर अभी एक ही हफ्ता हुआ है एंड मैंने सिर्फ 4-5 रेमेडीज ही स्टार्ट किए हैं मैंने। शीतल ने काफी सारे बताया है, हर एक चीज का व्हाट वी से रेमेडी दिखाया है, हर एक चीज का सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाया है। एंड इवन आई एम स्टार्टिंग विथ अ न्यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू करियर एज पर हर गाइडेंस। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑफकोर्स आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अभी 8 दिन के एक्सपीरियंस तो बहुत मैजिकल था, बहुत बढ़िया था। उसके ऊपर से मैं तो 100% श्योर हूँ कि आने वाले फ्यूचर भी मेरा मेरा बहुत ब्राइट रहेगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू पूजा। यही होता है कि 8 दिन में आपने इफेक्ट देखा है, 8 दिन में आपने इफेक्ट देखा है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी ऑलवेज वर्क, और इसका लाइव एग्जाम्पल हमने देखा है। पूजा वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट, अभी हम लोग इसे बोलेंगे कि वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट, जिन्हें देखिए फॉलो करना कितना जरूरी था। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको रिजल्ट्स भी 8 दिन में दिखे। आपने सिग्नेचर की प्रैक्टिस भी शुरू कर ली है। वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू ऐड। मैं बहुत बहुत एंड बहुत नास्तिक थी। मैं ये सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती थी। व्हेन आई केम टू शीतल एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट आई टोल्ड हर कि मैं ये सब चीजें नहीं मानती हूँ शीतल, उन्होंने बोला बस एक बार ट्राई करो, एक बार मेरे एक बार जस्ट यू जस्ट ट्रायल एंड एरर बेसिस जो रहता है ना, जस्ट एक ट्रायल बेसिस पर काम करो, वर्कआउट करो। सो 8 दिन में ही मेरा खुद का माइंडसेट चेंज हो चुका है कि न्यूमरोलॉजी है, कोई चीज है ये चीज। थैंक यू पूजा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें बताना पड़ता है कि वाई न्यूमरोलॉजी वर्क। आप जब आए थे तो मुझे अभी भी याद है कि किस तरीके से आप आए थे, और दिवाली के दिन इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी करवा के ली है। दिवाली के दिन इन्होंने मेरे से काम करवाया, जबकि मैं केदारनाथ वास्तु से आई थी, तब जाके मैंने पूजा के लिए आने के बाद काम किया है। बट आई एम सो हैप्पी कि उसे रिजल्ट मिला है। सबसे बेस्ट थिंग ये होती है कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट पूजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, बाय बाय।